नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राज पांडे। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का सब्जेक्ट सैन्य इतिहास। पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू करा चुके हैं आप लोग को, और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, और एक बार में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई है। इसमें से जो है बच्चों 90% तो नहीं, 85% हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आपका लड़ेगा। इससे क्वेश्चन क्या होगा आपका, 85% क्वेश्चन जो है लड़ेगा, ठीक है। तो 85% का हम गारंटी लेते हैं, 85% क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बच्चों कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। क्या बोल रहा है कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो यही देखना है हम लोग कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था और किस नदी के किनारे पर हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो ये बोलते हैं हम इसको दशराग युद्ध। क्या बोलते हैं, दशराग युद्ध, ठीक है बच्चों, दशराग युद्ध बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 10 राजा और सुदास, 10 राजाओं का युद्ध 10 राजा और सुदास जनों के बीच हुआ था, उसे हम क्या बोलते हैं, दशराग युद्ध, ठीक है बच्चों। 10 राजा और सुदास जनों के बीच हुआ था, यही हम दशराग युद्ध। 10 राजा और सुदास जनों के बीच जो युद्ध हुआ था बच्चों, इसमें विजयी कौन रहा 10 राजाओं और सुदास के बीच, सुदास थे जो विजयी हुए, सुदास राजा जो थे बच्चों ये क्या हुए, विजयी हुए, ठीक है। सुदास जो राजा थे बच्चों ये क्या हुए, विजयी हुए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। नदी का नाम ए नंबर झेलम नदी, बी नंबर रावी परुसरणी नदी, गंगा नदी और सतलज नदी, और थोड़ी थोड़ी कुछ जानकारी इन सब के बारे में भी लेते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये कह रहा है झेलम, झेलम नदी, ठीक है, और ये गंगा नदी। सतलज नदी को पहले जो बोला जाता था वो क्या बोला जाता था, शतुद्री। सतलज को क्या बोलते थे, शतुद्री, शतुद्री को सतलज नदी, और अस्कनी पहले का नाम था, ये अस्कनी जो पहले का नाम था, अब इसका नाम जो है क्या हो गया है, चिनाब। अस्कनी का नाम चिनाब, अस्कनी का नाम क्या हो गया है, चिनाब, ठीक है। उसी तरह रावी नदी थी, परुसरणी बोला जाता था उसको, क्या बोला जाता था, परुसरणी को ही रावी नदी बोला जाता था। सतलज नदी को शतुद्री सतलज बोला जाता था, और झेलम नदी को कुछ अलग इसका भी नाम था, ठीक है, और ये गंगा नदी हो गई। तो ये पूछ रहा है 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, 10 राजाओं और सुदास जनों के बीच युद्ध हुआ था, सुदास विजयी हुए थे, इसमें जो है बच्चों ये कौन जो है इस युद्ध में किस नदी के किनारे हुआ, ये है, ठीक है। तो यहां चलते हैं देखते हैं बच्चों, तो ये जो है रावी परुसरणी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी परुसरणी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल के मुख्य सेनांग थे, वैदिक काल के मुख्य जो सेनांग थे वो कौन थे, यही पूछ रहा है ना बच्चों। तो देखते हैं मुख्य सेनांग क्या पूछ रहा है, मुख्य सेनांग कौन थे, ठीक है। तो वैदिक काल में सेनांग होते थे, और मुख्य सेनांग कितने थे, ये है ना, सेनांग थे 4 थे कि 8 थे कि 10 थे कि 2 थे, पता ही। तो मुख्य सेनांग जो वैदिक काल में हुआ करते थे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मुख्य सेनांग जो हुआ करते थे वो 2 हुआ करते थे, कितने हुआ करते थे,
ठीक है, चलते हैं आगे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, रामायण महाभारत महाकाव्य पुराण काल में प्रधान लड़ाकू सैन्य बल जो था, सैन्य बल थे, प्रधान लड़ाकू सैन्य बल थे कौन, यही पूछ रहा है ना कि रामायण महाभारत महाकाव्य पुराण काल में प्रधान लड़ाकू सैन्य बल थे, कितने थे, यही है ना। तो महाकाव्य मैंने बताया हुआ है कि महाकाव्य जो है कितने हैं, महाकाव्य दो है, रामायण व महाभारत, महाभारत ठीक है। रामायण के रचनाकार तुलसीदास, तुलसीदास रामायण के रचनाकार तुलसीदास, और महाभारत का पुराना नाम क्या है बच्चों, जय संहिता, जय संहिता जो है बच्चों वो महाभारत का पुराना नाम है ठीक है। महाभारत के भी रचनाकार बहुत सारे हैं, उर्दू फारसी हिंदी अलग अलग सब्जेक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में इसका जो है अनुवाद किया गया है, इसको लिखा गया है, रिटर्न किया गया ठीक है। तो इसी तरह है, तो महाकाव्य दो हुए, महाभारत और रामायण, रामायण के रचनाकार तुलसीदास हुए और महाभारत के रचनाकार जो हैं, जो अच्छा देखिए महाभारत का पुराना नाम आपने जान गया, जय संहिता है। तो इसमें पूछा है बच्चों कि रामायण महाभारत महाकाव्य और पुराण काल में प्रधान लड़ाकू सैन्य बल थे, सैन्य बल कितने थे, वेद कितने हैं, वैदिक काल पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, तो वेद जानते हैं आप कितने हैं, बताइए, वेद चार है, वेद चार कौन कौन है बताइए, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, यजुर्वेद ठीक है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अर्थवेद, अर्थवेद ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ठीक है, और सामवेद जो है इसे संगीत का जनक माना जाता है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज, थोड़ी थोड़ी जानकारियां हम लेते चलेंगे, बस इसी तरह स्पीकिंग करके ही हम बता देंगे आपको, वो माइंड में आप वीडियो देख लेंगे और आपके माइंड में फिट हो जाएगा ठीक है। अलग से कुछ करने और लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से बस वीडियो देखिए ठीक है। तो ऋग्वेद जो है ये गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है इसमें, इसमें बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं, डिटेल्स में जब हम वीडियो बनाएंगे पढ़ाएंगे तो उसमें और सारा भी बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बस बताते चलते हैं अभी। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है बच्चों ठीक है, और यहाँ पे यजुर्वेद जो है क्या है, इसमें भी स्तुति की गई है, और यहाँ पे जो है अर्थवेद में तंत्र मंत्र जादू टोना शाप वशीकरण और इससे झाड़ फूंक आदि से संबंधित है ठीक है। तो वेद के बारे में, वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वेद से संबंधित हमको कुछ जानकारियां हासिल करनी बहुत जरूरी है ठीक है। तो इस तरह हम आप लोग को बताते चलेंगे। तो यहाँ क्या पढ़ रहे थे बच्चों, रामायण महाभारत महाकाव्य में पुराण काल में प्रधान लड़ाकू सैन्य बल थे, प्रधान लड़ाकू जो सैन्य बल थे बच्चों वो कितने थे, यही है ना। तो आठ दस छ चार, बताइए प्रधान लड़ाकू सैन्य बल जो थे बच्चों वो चार थे, कितने थे, चार। आगे चलते हैं बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, वैदिक कालीन, वैदिक कालीन सैन्य पद्धति का काल समय है। देखिए हिस्ट्री में जो है थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री क्या है, थ्री पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीच वाला लास्ट वाला मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर ये क्या है पिछले वाला इतिहास इसका है, उसका भी पढ़ेंगे हम लोग ठीक है। तो उसी में क्या दिया है, वैदिक काल दिया है, और हिस्ट्री में जो तीनों पार्ट डिवाइडेड है बच्चों, ये सबका अपना अपना समय बताया गया है, कब से कब तक, किस ईस्वी से किस ईस्वी तक कौन रहा। तो उसी तरह वैदिक काल जो है, वैदिक कालीन सैन्य पद्धति का जो है स्टार्टिंग कब हुआ और कब तक रहा, यही तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग कब हुआ और कब तक ये रहा ठीक है बच्चों। तो ये पूछ रहा हमसे, इसका स्टार्टिंग कब हुआ
और ये कब तक रहा, ठीक है? तो यही बताना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिए, देखिए चलते हैं ऑप्शन की ओर, देखते हैं कि क्या कह रहा ऑप्शन, ठीक है? तो वैदिक कालीन सैन्य पद्धति का काल समय है ए नंबर 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के बारे में भी हमने बताया हुआ है कि ईसाई मसीह के जन्म के बाद के जो समय है उनको जो है क्या बोला जाता है, ईस्वी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी घटनाएं हुई हैं उसको ईसा पूर्व एडी एनो डोमिनी, ठीक है, ईस्वी, ठीक है। और इस तरह जो है बीसी, बीसी ईसा पूर्व हो जाएगा, बिफोर ऑफ जेजस क्रिस्ट। जेजस क्रिस्ट जो है उनके जन्म के पहले की घटनाएं जितनी हुई हैं उसको ईसा पूर्व, ठीक है। तो 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, 606 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। तो ये वैदिक काल का जो समय था बच्चों, ये था कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था बच्चों, ये वैदिक काल का घटनाएं सारी इसी में हुई थी, ठीक है। वैदिक काल की जितनी घटनाएं हुई थी बच्चों इसी में हुई थी, 1500 ईसा पूर्व से, कब से, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो घटनाएं हुई वो वैदिक काल का समय माना जाता है। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रहा है। वैदिक काल का मुख्य शस्त्र था, वैदिक काल का जो मुख्य शस्त्र था वो क्या था, शस्त्र पूछ रहा है ना, कि वैदिक काल का मुख्य शस्त्र क्या था, यही पूछ रहा है ना। वैदिक काल का मुख्य शस्त्र जो था वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है मुख्य शस्त्र था मिसाइल था कि राइफल था, ठीक है। वैदिक युग की बातें हैं, वैदिक युग में कौन मेन शस्त्र हुआ करता था, ये ना। तो यहाँ पे मिसाइल है और क्या है, राइफल, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन धनुष बाण और डी नंबर ऑप्शन तोप। बता सकते हैं कोई क्या था वैदिक काल का शस्त्र, इससे लड़ाइयां की जाती थी, ठीक है। तो ये मेन शस्त्र जो था बच्चों वो क्या था, धनुष बाण। क्या था, धनुष बाण। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर देखिए। वैदिक काल में युद्ध हुआ करते थे, युद्ध जो है हुआ करते थे, युद्ध का टाइप्स क्या था, किस प्रकार के युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। तो देखते हैं युद्ध कैसे हुआ करते थे, वैदिक काल में जो युद्ध हुआ करते थे वो किस टाइप से युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। घोषित युद्ध, अघोषित युद्ध, तेज, पूर्ण युद्ध। तो ये बच्चों जो हुआ करते थे ये घोषित युद्ध हुआ करते थे। कैसे युद्ध हुआ करते थे, घोषित युद्ध, घोषणा करके युद्ध लड़ी जाती थी, अचानक अटैक नहीं किया जाता था, घोषित युद्ध हुआ करते थे, घोषणा करके युद्ध लड़ा जाता था। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन युद्ध शिल्पी है, कौन युद्ध जो है वो शिल्पी है, यही तो है कि निम्नलिखित में से कौन युद्ध शिल्पी है। ये देखिए यहाँ, क्विंसी राइट, जनरल फुलर, गवर्नर और आरसी कुलश्रेष्ठ, ठीक है। आरसी कुलश्रेष्ठ, जनरल फुलर, क्विंसी राइट और गवर्नर, बताइए कौन युद्ध शिल्पी थे, कोई बता सकते हैं, बताइए। तो ये बी नंबर जो है, जनरल फुलर जो है बच्चों ये युद्ध जो है शिल्पी हैं, जनरल फुलर जो है वो क्या है युद्ध जो है शिल्पी है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत बातें आती हैं, पूछ रहा है कि सैन्य विज्ञान जो है क्या, सैन्य विज्ञान यही है ना, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी बातें सैन्य विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो सैन्य अध्ययन पढ़ेंगे, सैन्य हिस्ट्री पढ़ेंगे, सेना का संगठन पढ़ेंगे, संगठन,
संगठन और इस टाइप से बहुत सारे देखेंगे हम, डिटेल्स में जब बताएंगे उसका वीडियो बनाएंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर, फोकस करते हैं आखिर क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि विज्ञान के अंतर्गत बातें आती हैं, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत बच्चों कौन सी बातें आती हैं, यही तो कह रहा है। तो बताइए, युद्ध संबंधी बातें आती हैं कि विज्ञान संबंधी बातें आती हैं कि सैन्य संबंधी बातें आती हैं कि संगठन संबंधी बातें आती हैं, बताइए। तो ये बच्चों आती हैं, कॉमन सेंस की बात है कि सैन्य विज्ञान के अंतर्गत युद्ध संबंधी ही बातें आएंगी, ठीक। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, बच्चों ध्यान दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में किस काल में अधिक विकास हुआ, सैन्य विज्ञान का जो क्षेत्र था वो जो है किस काल में उसका अधिक विकास हुआ था, कौन सा वो काल था जिसमें सेना का संगठनात्मक रूप सैन्य अध्ययन से रिलेटेड बहुत ज्यादा विकास हुआ, यही पूछ रहा है ना कि उसका कितना विकास हुआ, सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में किस काल में अधिक विकास हुआ था, यही है ना। बताइए किस काल में अधिक विकास हुआ था सेना का, तो वो था बच्चों आधुनिक काल था कि मुस्लिम काल था कि रामायण था महाभारत काल में कि ब्रिटिश काल में। तो रामायण और महाभारत काल में जो है सेना का अधिक विकास हुआ था, सैन्य विज्ञान का अधिक विकास हुआ था बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, युद्ध काल में सैन्य विज्ञान में क्षेत्र में रामायण और महाभारत काल में तो अधिक विकास हुआ, महाभारत के जो है पुराना नाम क्या है, जय संहिता, ठीक है। रामायण के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, ठीक। अब देखिए यहां 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, युद्ध का परिणाम भयंकर होता है, युद्ध का परिणाम भयंकर होता है क्योंकि, क्यों होता है, युद्ध से समाज में परिवर्तन होते हैं, युद्ध से राज्य बदल जाते हैं, युद्ध से राज्य नष्ट हो जाते हैं, युद्ध से बेरोजगारी फैलती है, बताइए युद्ध का परिणाम भयंकर क्यों होता है, कोई बताएंगे, बताइए युद्ध का परिणाम भयंकर क्यों होता है। तो ये होता है बच्चों, युद्ध से समाज में परिवर्तन होते हैं, युद्ध से क्या होता है, समाज चेंज हो जाता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है बताइए। तो ये जो है युद्ध होते हैं तो एक दूसरे से टकराव होता है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती हैं, तो इससे समाज में इसका अधिक प्रभाव पड़ता है और इस समाज में इसका क्या होता है, कुछ सीखे जाती हैं, उससे लोग सीख लेते हैं युद्ध से। तो इस तरह जो है युद्ध का भयंकर परिणाम समाज में परिवर्तन लाने के लिए होता है, यही भयंकर इसका परिणाम होता है, ठीक है बच्चों। आगे को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि किस प्रमुख कारण से सैन्य विज्ञान उपयोगी है, कौन सा प्रमुख कारण है जिससे सैन्य विज्ञान जो है उपयोगी साबित हुई है, सैन्य विज्ञान क्या है, उपयोगी है, किस प्रमुख कारण से सैन्य विज्ञान उपयोगी है, वो है समाज के विकास की दृष्टि से, वैधानिक नियंत्रण की दृष्टि से, नागरिक प्रशिक्षण व सुरक्षा की दृष्टि से, शांति स्थापना के लिए, ठीक है। तो किस प्रमुख कारण से सैन्य विज्ञान उपयोगी है बच्चों, तो समाज के विकास की दृष्टि से कि नागरिक प्रशिक्षण व सुरक्षा की दृष्टि से, बताइए। तो ये बच्चों जो है ये नागरिक प्रशिक्षण व सुरक्षा की दृष्टि से जो है क्या है, सैन्य विज्ञान उपयोगी साबित हुई है, ठीक है बच्चों, नागरिक प्रशिक्षण व सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक। अब देखिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सैन्य विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्या है, सैन्य विज्ञान का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, ये है परीक्षण, प्रयोग, रणभूमि में संग्राम, वैज्ञानिक आविष्कार, बताइए सैन्य विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो वो है बच्चों रणभूमि में संग्राम जो है ये सैन्य विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत साबित हुआ है।
रणभूमि में संग्राम। ठीक, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैन्य विज्ञान एक कला है, क्या है? सैन्य विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका संबंध व्यवहारिक जीवन से है, इसका संबंध शत्रु से है, इसका संबंध कलात्मक रचना से है, इसका संबंध गुप्त कार्यों से है। बताइए, सैन्य विज्ञान एक कला है क्योंकि, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चों। एक कला क्यों है? इसका संबंध कलात्मक रचना से है। ऐसा है, कलात्मक रचना से है जो इसका संबंध है। इससे जो है सैन्य विज्ञान क्या है? संबंधित है, इसी से इसका विकास हुआ है। ठीक है, सैन्य विज्ञान का अध्ययन जो है इसका संबंध कलात्मक रचना से है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन डीप डीप से है, इसलिए ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। ठीक, आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का है क्या रहा है? ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, सैन्य विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से है। सैन्य विज्ञान का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से है। क्योंकि क्योंकि सेना का मनोविज्ञान देखा जाता है कि युद्धों में मनोबल आका जाता है, युद्ध में मनोविज्ञान विश्लेषण जरूरी है, युद्ध में परिस्थितियों का आकलन होता है। बताइए, सैन्य विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से है क्योंकि, क्यों कोई बताएंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, कि युद्ध में मनोविज्ञान विश्लेषण जरूरी है। सैन्य विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से है क्योंकि युद्ध में मनोविज्ञान जो है विश्लेषण करती है। ठीक, आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक कालीन सैन्य संगठन की प्रमुख विशेषता थी। वैदिक कालीन जो थी वो सैन्य संगठन जो थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या है ना, तो यहाँ देखिए, वैदिक कालीन सैन्य संगठन की प्रमुख विशेषता थी प्रशिक्षित सेना, वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्र, सैनिक संगठन और वाद यंत्र। ठीक है, तो वैदिक कालीन सैन्य संगठन की प्रमुख विशेषता जो थी वो क्या थी बच्चों? वो थी सैनिक संगठन। क्या थी? सैनिक संगठन जो थी वो वैदिक कालीन सैन्य संगठन की प्रमुख विशेषता थी। सैनिक संगठन 16 नंबर, निम्न में से एक वैदिक कालीन शस्त्रास्त्र था। वैदिक कालीन शस्त्रास्त्र कौन था? वो शस्त्र कौन थे जो वैदिक काल में यूज हुआ करते थे? कहां हुआ करते थे? वैदिक काल में वो यूज हुआ करते थे, वो शस्त्र पूछ रहा। ठीक, तो देखिए यहां, श्रुक्ति भाला, दिधु पत्थर फेंकना, 80 तलवार और मुगदर। वैदिक काल का प्रमुख शस्त्रास्त्र पूछ रहा है ना, तो वो है बच्चों 80 तलवार। 80 तलवार जो है वो वैदिक कालीन शस्त्रास्त्र था। वैदिक कालीन शस्त्रास्त्र क्या था? 80 तलवार। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे की तरफ देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक कालीन वाद यंत्र था। वैदिक काल में हर टाइप से क्वेश्चन आता है, वाद यंत्र क्या थे, सेना का संगठन क्या था, शस्त्र कैसे थे, किस प्रकार प्रजा रहती थी, किस प्रकार उसकी सेवा करते थे, राजा का क्या था, सब तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें जो है बच्चों वैदिक कालीन वाद यंत्र पूछ रहा है, वाद यंत्र किस प्रकार के थे, यही है ना। तो घोसा, कुंद, दुदुम्भे, अनुपुर, बताइए वैदिक कालीन वाद यंत्र किस टाइप से था? तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, ये जो हो जाएगा दुदुम्भी था। क्या था? दुदुम्भी ऐसे बजाया जाता था उठा के, जैसे आजकल बाजा में बजाते नहीं है भोंपू, उसी टाइप का दुदुम्भी था वाद यंत्र वहां का, वैदिक कालीन दुदुम्भी। ठीक, याद कर लीजिएगा दुदुम्भी। महाकाव्य काल में युद्ध का वास्तविक कारण क्या होता था? महाकाव्य मैंने बताया कि दो हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो
महाकाव्य काल में पूछ रहा है बच्चों कि युद्ध का वास्तविक कारण क्या था। महाकाव्य काल में जो युद्ध होते थे वो किस कारण से हुआ करते थे, उसके कारण क्या थे। यहां देखिए, स्त्री अपहरण था, साम्राज्य विस्तार था, वर्ण व्यवस्था थी कि प्रजा की रक्षा करना था, क्या होगा, कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। तो 18 नंबर हो जाएगा बच्चों, साम्राज्य विस्तार। सब राजा सोचते थे कि अपने साम्राज्य का हम विस्तार करें, अपनी क्षेत्र को बढ़ावा दें, अपना क्षेत्र जो है ये अधिकार कर लिए तो अगला क्षेत्र पर अधिकार कर लें। तो वही साम्राज्य विस्तार का कारण क्या था, युद्ध था। ठीक है, महाकाव्य काल में जो युद्ध का वास्तविक कारण होता था वो क्या था, साम्राज्य विस्तार। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या कह रहा है। महाकाव्य काल में विदेश विभाग का मुख्य काम था, विदेश विभाग का मुख्य काम क्या था ये पूछ रहा कि विदेश विभाग जो था उसका मुख्य काम पूछ रहा क्या था। संधि, आसन, विग्राहक, युद्ध, बताइए विदेश विभाग का मुख्य काम क्या था, यही तो पूछ रहा। तो 19 नंबर हो जाएगा बच्चों, विग्राहक। विग्राहक जो था महाकाव्य काल में विदेश विभाग का मुख्य क्या था, काम था, विग्राहक, क्या था, विग्राहक। ठीक, अब देखिए यहाँ 20 नंबर, महाकाव्य काल में सेना का अंग था, महाकाव्य काल में जो है सेना का अंग था, क्या था, रस, अश्व, पदाति, गज, बताइए महाकाव्य काल में सेना का अंग क्या था, यही पूछ रहा है ना। तो वो था बच्चों रस, रस जो था वो महाकाव्य काल में सेना का अंग था, क्या था, रस। ठीक है, रस जो था वो सेना का अंग हुआ करता था। आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते रहिए इसी तरह वीडियो। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों कि निम्न में से महाकाव्यकालीन सैनिकों की श्रेणी थी, निम्न में से जो है महाकाव्यकालीन सैनिकों की श्रेणी कैसी थी। ठीक है, श्रेणीबद्ध हुआ करते थे उस समय, तो उसकी श्रेणी पूछ रहा है। श्रेणी बल था, भूतक बल था, कि बलन बल था, कि मौल बल था, बताइए। 21 नंबर हो जाएगा बच्चों, क्या था 21 नंबर का, 21 नंबर जो है मौल बल था, ऐसा बल था मौल बल। महाकाव्यकालीन सैनिकों की जो श्रेणी हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, मौल बल हुआ करता था। ठीक, आगे की तरफ देखिए, महाकाव्य काल में एक औक्षणी में कुल कितने रथ होते थे, महाकाव्य काल में एक औक्षणी में कुल कितने रथ होते थे। औक्षणी होती थी उसके अंतर्गत रथ हुआ करते थे, वो ही पूछ रहा है कि एक औक्षणी जो थी उसके अंतर्गत कुल कितने रथ थे, बताइए। 31,705 रथ, 21,870 रथ, 26,786 रथ, 46,726 रथ, बताइए। तो ये था बच्चों क्या था, 22 नंबर का जो है 21,807 रथ जो है औक्षणी में रथ हुआ करते थे, एक औक्षणी में 21,870 रथ हुआ करते थे, 21,870। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। महाकाव्य काल में कौन सा आयुध अंगरक्षक कहलाता था, वो कौन सा आयुध था जो अंगरक्षक कहलाता था, महाकाव्य काल में अंग की रक्षा करता था, बॉडीगार्ड बोलते हैं अंगरक्षक उसको, तो वो कौन सा आयुध था, कौन सा वो सिस्टम था, मिलिट्री सिस्टम उसको बोले तो वो वेपन्स, कौन सा ऐसा वेपन्स था, वेपन्स बोले बोले तो वेपन्स, वो कौन सा ऐसा वेपन्स था जो अंगरक्षक कहलाता था, कवच, गोधा, तनुत्राण, मर्मरता, बताइए वो
वो कौन सा युद्ध था? तो वो था बच्चों, कौन सा युद्ध? वो था तनु त्राण। तनु त्राण जो था वो अंगरक्षक बोला जाता था उसको। क्या बोला जाता था? आयुध का अंगरक्षक। ठीक, 24 नंबर देखते हैं। महाकाव्य काल का एक युद्ध व्यूह था, एक युद्ध व्यूह था, उसका युद्ध व्यूह कैसा था? यही पूछ रहा है ना। महाकाव्य काल का एक युद्ध व्यूह था, वज्र व्यूह, कमल व्यूह, चक्र व्यूह, वराह व्यूह। ठीक, महाकाव्य काल का एक युद्ध व्यूह था, वो कौन सा व्यूह था? तो वो था बच्चों चक्र व्यूह। कैसा व्यूह था? चक्र व्यूह। महाकाव्य काल का एक युद्ध व्यूह था चक्र व्यूह। चक्र व्यूह के अंदर, चक्र व्यूह का मतलब उस काल में चक्र व्यूह ऐसे चलता था जैसे जो है, अर्जुन का पुत्र कौन था? तो उसको जो है चक्रव्यूह में फंसा लिया गया और चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया वो, इसी की वजह से वो मारा गया। चक्रव्यूह में जब उस समय फंस जाता था आदमी तो उससे बाहर नहीं निकल पाता था। चक्रव्यूह का मतलब यूं, सेना होती थी और सेना को ऐसे रखा जाता था, ठीक, फिर ऐसे, ठीक, मतलब गोल गोल में खड़ा कर दिया जाता था और बीच में ये चक्रव्यूह में जो फंसता था यहाँ पे रहता था। ठीक है, तो ऐसे इसको खड़ा किया जाता था सेना को सर्किल में, फिर बगल से ऐसे, मतलब कितने सिक्योरिटी होते थे चक्रव्यूह में, इसी टाइप से ऐसे 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 ऐसे, ठीक, इस टाइप से हुआ करता था चक्रव्यूह, जो बोले तो चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पाता था। इसको भेदेगा तब ना यहाँ आएगा, फिर इसको भेदेगा तो यहाँ आएगा, 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 इसको भेदेगा तब यहाँ, इसको भेदे तब यहाँ पहुंचेगा। चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा, ये चक्रव्यूह में जो फंस जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता था बच्चों। तो वही जो है पूछ रहा है इसमें कि महाकाव्य काल में कौन, यहाँ पे महाकाव्य काल नेक्स्ट 24 नंबर, महाकाव्य काल का एक युद्ध व्यू था वो कौन सा? चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह में ही जो फंस जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता था। चक्रव्यूह बहुत जटिल होता था, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता था। ठीक है, चक्रव्यूह में फंस के आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता था। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं बच्चों, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। 25 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में युद्ध का प्रमुख नियम क्या था? युद्ध का प्रमुख नियम पूछ रहा है कि वो नियम क्या था प्राचीन काल में युद्ध का नियम। कूट युद्ध, रक्षक युद्ध, व्यूह युद्ध, धर्म युद्ध, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं। तो वो युद्ध था बच्चों धर्म युद्ध लड़ा जाता था ना। कैसा युद्ध लड़ा जाता था? धर्म युद्ध। प्राचीन काल में युद्ध का प्रमुख नियम था धर्म युद्ध। ठीक है, धर्म युद्ध लड़ा जाता था। कैसा युद्ध लड़ा जाता था? धर्म युद्ध, धर्म पे रह के। झेलम का युद्ध कब हुआ था? झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, कहाँ? झेलम में जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो हुआ था सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य। सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य जो है झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसी युद्ध से कब हुआ, यही ईस्वी पूछ रहा है इसका। 342 ईसा पूर्व में, 372 ईसा पूर्व में, 362 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, बताइए। तो ये जो हुआ था बच्चों झेलम नदी के तट पर युद्ध, 326 ईस्वी में हुआ था। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की आपस में सेनाएं लड़ गई। सिकंदर का जो घोड़ा था वो बहुकेफला था। क्या था? वो बहुकेफला नाम था उसका। ठीक है, उसी के नाम पर जो है बहुकेफला नगर की स्थापना किया सिकंदर। कौन से नगर की स्थापना किया? बहुकेफला नगर की स्थापना किया झेलम नदी के पास। ठीक है, तो ये जो है 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है,
चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं 27 नंबर। पुरु की सेना में घुड़सवार सेना कितनी थी? पुरु की सेना में घुड़सवार सेना का नंबरिंग पूछ रहा है बच्चों, घुड़सवार सेना में कितने सैनिक थे यही पूछ रहा है। ठीक है, पुरु की सेना में घुड़सवार सैनिक थे 40,000, 50,000, 35,000, 72,000। घुड़सवार घोड़ा की सवार रथ सेना जो थी वो कितनी थी? तो वो थी बच्चों 40,000। कितने थे? 40,000। ठीक, आगे की तरफ से चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की ओर। यूनानी लेखकों, यूनानी लेखकों, ठीक है, यूनानी लेखकों जो है 28 नंबर, ने पुरु की पैदल सेना कितनी बताई है? यूनानी लेखकों में पुरु की पैदल सेना जो है कितनी बताई है? पुरु की जो सेना थी वो कितनी, यूनानी लेखक जो लिखे हैं वो उसमें कितने सैनिक को बताए हैं, कितने पैदल सैनिक हुआ करते थे, यही है ना। तो ये जो है बच्चों 60,000, 62,000, 50,000, 63,000। तो ये जो है 50,000 हो जाएगा इसका, इसकी पैदल सेना में 50,000 सैनिक हुआ करते थे पुरु की सेना। पुरु के पास सेना के संगठन का आधार क्या था, मतलब उसका संगठनात्मक रूप जो तैयार किया था वो, उसका आधार बेस क्या था, यही पूछ रहा है, उसका आधार पूछ रहा है बच्चों कि आधार उसका क्या था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ आधार क्या था। अश्वबल था कि पदाति बल था कि चतुरंग बल था कि शस्त्रास्त्र बल था, बताइए। 29 नंबर का बच्चों, ये चतुरंग बल जो थी उसकी आधार थी, क्या थी उसकी आधार थी, कौन? चतुरंग बल। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि डब्लू डॉर्न ने सिकंदर की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या कितनी बताई है? डब्लू डॉर्न ने सिकंदर की सेना में जो बताई है पैदल सैनिकों की संख्या बताई है, वो कितनी बताई है डब्लू डॉर्न ने? तो वो जो बताई है 35,000, 6,000, 15,000, 40,000, बताइए। नंबरिंग में बताना है बच्चों कि उसमें जो है कितनी बताई है, तो ये हो जाएगा 15,000। कितनी बताई है? 15,000। डब्लू डॉर्न जो है सिकंदर की सेना थी, वहां पैदल सैनिकों की संख्या जो थी कितनी बताई है? 15,000। 15,000 जो है पैदल सैनिकों की संख्या बताई गई है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ देखिए, चलिए 31 नंबर। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने कौन सी नदी पार की थी? भारत पर आक्रमण जब किया सिकंदर, तो कौन सी नदी को पार करके किया? झेलम नदी, सतलज नदी, सरस्वती, घग्गर, बताइए। 31 नंबर का क्या होगा? झेलमी नदी को ना पार करके बनाया आक्रमण किया था जी, सतुद्री सतलज, इसका पुराना नाम क्या है? सतुद्री, सतुद्री जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है, सतुद्री का सतलज हो जाएगा, और झेलम नदी को पार करके अस्कनी चिनाब हो जाएगा, अस्कनी का पुराना नाम, नया नाम चिनाब है। ठीक है, ददूसरी घग्गर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसी तरह देखते रहिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये देखिए यहाँ, कि सिकंदर के आक्रमण की क्या योजना थी? सिकंदर जो आक्रमण किया था उसकी योजना क्या थी? योजनाबद्ध तरीके से किया था ना आक्रमण, प्लानिंग पूछ रहा है। तो ए नंबर, पैदल सेना द्वारा खलबली मचाना, घुड़सवार सेना को हानि पहुंचाना, पृष्ठ भाग को तोड़ना, भारतीय सैनिकों का पीछा करना। ठीक है, बताइए सिकंदर के आक्रमण की क्या योजना थी? तो ये थी बच्चों 32 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, भारतीय सैनिकों का पीछा करना जो है वही उसकी योजना थी। सिकंदर के आक्रमण की योजना क्या थी? भारतीय सैनिकों का पीछा करना।
पीछा करके उसको हरा दो, पीछा करके उसको भगा दो, यही इसकी योजना थी सिकंदर की। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए यहाँ 33 नंबर, मौर्य कालीन सेना में सैन्य संगठन के कितने सेनांग होते थे? मौर्य कालीन जो सेना थी उसमें सैन्य संगठन के कितने सेनांग होते थे, सैन्य संगठन में कितने सेनांग होते थे, यही तो पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है बच्चों, 5 सेनांग थे, 6 सेनांग थे, 4 सेनांग थे, 12 सेनांग थे, बताइए मौर्य काल में सेना के संगठन के कितने सेनांग थे? तो 33 का हो जाएगा बच्चों, ये थे 6 सेनांग थे। कितने? मौर्य काल में सेना का संगठन जो था वो कितने सेनांग हुआ करते थे? 6। ठीक, आगे चलिए देखते हैं आगे की तरफ, 34 नंबर, 34 नंबर जो है देखिए, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से एक अंग पैदल सेना से संबंधित था। एक अंग क्या था बच्चों? पैदल सेना से संबंधित था। कौटिल्य के कथा अनुसार एक अंग पैदल सेना से संबंधित था, वो कौन था बच्चों? भूतक बल था, आठवीं बल था, मील बल था, चमुक बल था। तो कौटिल्य के अनुसार निम्न में से एक अंग पैदल सेना से संबंधित था, वो कौन था? तो 34 का हो जाएगा बच्चों क्या, ये डी नंबर, चमुक बल। चमुक बल जो था वो एक अंग इसका पैदल सेना से संबंधित था, इसका चमुक बल का, चमुक बल का जो था वो एक अंग जो था वो पैदल सेना से इसका संबंधित था, चमुक बल। ठीक, 35 नंबर की ओर चलते हैं, मौर्य काल में आठवीं बल में कौन कौन से सैनिकों को भर्ती किया जाता था? मौर्य काल में जो है आठवीं बल में कौन से सैनिकों को भर्ती किया जाता था? आठवीं बल में, यही तो पूछ रहा है कि आठवीं बल में जो है कौन से सैनिकों को भर्ती किया जाता था? सभ्य सैनिक, लुटेरे सैनिक, तुरियक सैनिक कि असभ्य सैनिक, बताइए मौर्य काल में आठवीं बल में कौन से सैनिकों को भर्ती किया जाता था? तो ये हो जाएगा बच्चों 35 नंबर का सी नंबर, तुरियक सैनिक जो है ये आठवीं बल में सैनिकों को भर्ती किया जाता था। किसमें? तुरियक सैनिक में, तुरियक सैनिक में। आगे देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी संख्या में पैदल सैनिक थे? इसी का वर्णन जो किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बच्चों, कि पूरे जो है उत्तर भारत को अपने सैनिकों की सेना की टुकड़ी पैदल सेना लेकर हुड़दंग की तरफ पूरे उत्तर भारत को रौंद डाला था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये जो है पूछ रहा है कि पैदल सेना ही लेकर दौड़ा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास, कितनी संख्या में पैदल सेना थी, उत्तर भारत को रौंद डाला था। ये जो है बच्चों 5 लाख सेना, 6 लाख सेना, 90,000 सेना, 2 लाख, 6,000 सेना, बताइए कितने सैनिक थे? तो ये हो जाएगा बच्चों क्या कि 6 लाख सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, पैदल सैनिकों की संख्या कितनी थी? 6 लाख। ठीक, सेना ध्यान दीजिए। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है? 4 प्रकार, 9 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। कौटिल्य जो है कितने प्रकार के दुर्गों के चर्चा किए हैं, कितने टाइप्स के दुर्ग थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है, अर्थशास्त्री थे, क्या थे? अर्थशास्त्री थे कौटिल्य। ठीक है, तो ये जो बच्चों कौटिल्य कितने प्रकार के दुर्गों की चर्चा किए हुए हैं, कोई बताएगा? तो ये जो है 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा किए हैं। दुर्ग क्या होता है? जब युद्ध के समय राजा पराजित होने लगता था तो दुर्ग में प्रवेश कर जाता था, दुर्ग में प्रवेश करके युद्ध लड़ता था। ये जो है कहने का मतलब कि
दुर्ग बहुत जटिल होते थे, उसको भेदना मुश्किल होता था, और दुर्ग में जो है ऐसी होती थी दुर्ग। देखिए ये हुआ राजा का किला, ठीक है, तो ये बहुत जटिल ही बनाया जाता था दुर्ग, और यहाँ पर छिद्र लगा दिया जाता था, छिद्र कर दिया जाता, इसी में तोपे बंदूक रख के और दुर्ग के अंदर लड़ा करते थे। दुर्ग बहुत मजबूत हुआ करता था, दुर्ग को भेदना मुश्किल हुआ, और इसमें छिद्र बनाकर और वहीं से लड़ा जाता था दुर्ग के अंदर से, ठीक है, तो सेफ हो जाता था आदमी। युद्ध में जब पराजित होने लगता था तब दुर्ग बहुत जटिल और कठोर होते थे, उसको भेदना मुश्किल होता था। तो कौटिल्य कह रहे हैं कि कितने प्रकार के दुर्गों की चर्चा किए हैं, चार प्रकार के दुर्ग की चर्चा किए हैं, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौटिल्य का युद्ध दर्शन मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित था? कौटिल्य का युद्ध जो युद्ध दर्शन था बच्चों, वो मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित था, यही कह रहा है, किस व्यवस्था पर आधारित था, ठीक। सेना पर, कौटिल्य का युद्ध दर्शन मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित था? सेना पर, दुर्गों पर, गुप्तचरों पर, शस्त्रास्त्रों पर, ठीक है। तो 38 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या, ये जो हो जाएगा सेना पर जो है, कौटिल्य का युद्ध दर्शन मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित था? सेना पर, ठीक, सेना पर। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मौर्य काल में युद्ध समिति का कौन सदस्य होता था? युद्ध समिति का सदस्य पूछ रहा है, प्रधानमंत्री, युवराज, सेनापति, ये तीनों बताइए। युद्ध काल में युद्ध समिति का कौन सदस्य पूछ रहा है, कौन सदस्य हुआ करता था? तो ये हो जाएगा बच्चों, ये तीनों कौन कौन, युवराज, प्रधानमंत्री और सेनापति युद्ध समिति के सदस्य होते थे। इन्हीं के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता था, इन्हीं के नेतृत्व में, नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता था, प्रधानमंत्री के, युवराज के, सेनापति के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता था, ठीक है बच्चों। आगे की तरफ देखिए चलते हैं, 40 नंबर की तरफ। मौर्य काल में कूट युद्ध में कौन सा कार्य किया जाता था? कूट युद्ध पूछ रहा है, कूट युद्ध में कौन सा कार्य किया जाता था, कूट युद्ध होता था, ठीक। तो यहाँ लूट मार करना, रणभूमि में घेर कर शत्रु को पराजित करना, रणभूमि में घेर कर शत्रु को हराना, ठीक, रणभूमि में घेर कर शत्रु को हराना था, ठीक है। अब देखिए, लूट मार करना, रणभूमि में शत्रु को घेर कर हराना, शत्रु को छल से मारना, इनमें से कोई नहीं, किस प्रकार का कूट युद्ध था? तो 40 का हो जाएगा बच्चों, शत्रु को छल से मारना, शत्रु को छल से मार दिया जाता था कूट युद्ध में। कूट युद्ध में कौन सा कार्य किया जाता था? शत्रु को छल से मारा जाता था। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है, इसी तरह देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजपूतों का सैन्य संगठन, राजपूतों का जो है सैन्य संगठन किस पर निर्भर था? जागीरदारी प्रथा पर, अस्थाई सेना पर, सामंती सेना पर, शस्त्रास्त्रों पर। तो राजपूतों का सैन्य संगठन जो था वो किस पर निर्भर था बच्चों? जागीरदारी प्रथा पर, अस्थाई सेना पर, सामंती सेना पर, शस्त्रास्त्रों पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, वो किस पर निर्भर था? 41 नंबर का हो जाएगा डी नंबर बच्चों, शस्त्रास्त्रों पर जो है निर्भर था राजपूत सेना का सैन्य संगठन जो था वो शस्त्रास्त्रों पर निर्भर था, ठीक। आगे देखिए, शस्त्र के द्वारा ही ये जो है राजपूत सैन्य संगठन के बल पर जीतते थे, विजय प्राप्त करते थे, बिना शस्त्र के विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक। आगे देखिए, राजपूतों के प्रमुख हथियार कौन कौन से थे? राजपूतों के प्रमुख हथियार जो थे वो कौन कौन से थे, कितने कट गए क्या, कौन कौन से थे, यही पूछ रहा है ना, राजपूतों के हथियार। तो ये है तीर, कमान तथा कटार, बल्लभ तथा छुरा, शत्ता घनी तथा गुरेल, तलवार तथा भाले। बताइए,
राजपूतों के मुख्य हथियार जो हुआ करते थे बच्चों, वो कौन हुआ करते थे? तो राजपूत जो है तलवार चलाने में निपुण थे, तलवार और भाले जो है बच्चों उनके मुख्य हथियार हुआ करते थे। तलवार और भाला तो आप जानते ही होंगे कैसे होते हैं, तो इन्हीं के बल पर वो विजय प्राप्त करते थे और युद्ध लड़ते थे। मेनली रूप से तलवार इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर, ठीक, 43 नंबर। देखिए यहाँ, राजपूतों की असफलता तथा मुसलमानों की जीत का प्रमुख कारण क्या था? राजपूतों की असफलता थी और क्या था, मुसलमानों की जीत हुई, इसका प्रमुख कारण पूछ रहा है। प्रमुख कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ, यही ना पूछ रहा है। तो ये बच्चों आपसी बैर भाव तथा फूट के कारण, नवीनतम शस्त्रास्त्रों की कमी के कारण, गतिशीलता में कमी के कारण, तो तीनों बातें। राजपूत जो है मुगलों से क्या किए थे, लड़ाई किए थे, ठीक है। तो उसमें राजपूत में क्या हुई थी, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी से क्या हुए बताइए, जीत गए थे, दूसरे युद्ध में हार गए, आपसी फूटमत हो गई थी, यूनिटी नहीं थी। उसी तरह मुगल काल में भी हुआ, राजपूत जो भी है लड़े, ठीक है, वो भी हार गए क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी। किस किस चीज की कमी थी, आपसी बैर भाव तथा फूट था, यूनिटी नहीं थी, नवीनतम शस्त्रास्त्र की कमी थी, मॉडर्न हथियार नहीं थे, ठीक, और वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स। मॉडर्न वेपन्स नहीं थे उनके पास, और जो है गतिशीलता में भी कमी थी, अपनी गति और प्लानिंग के तहत युद्ध नहीं करते थे। ये तीनों बातें थी बच्चों, ये डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों बातों के कारण ही असफलता देखना पड़ा राजपूत को, मुसलमान जीत गए, ठीक। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, 44 नंबर, 44 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, 44 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, भारतीय राजाओं की तुर्कों से युद्ध के समय प्रमुख भूल क्या थी? भारतीय राजाओं की वह क्या भूल थी जो तुर्कों से युद्ध के समय वह प्रमुख भूल मानी जाती है? वह कौन सी भूल थी? अरब व्यापारियों को छूट देना, कि भारत में इस्लाम का प्रचार करने की छूट, कि राष्ट्रीय भावना की कमी, कि उपयुक्त तीनों कमियां, बताइए क्या होगा? तो ये होगा बच्चों 44 नंबर का, उपयुक्त ये तीनों कमियां जो थी, इसी के कारण जो है तुर्क जो है जीत हुए और राजपूत की हार हुई। ये तीनों कमियां थी, इस्लाम धर्म का प्रचार करने की छूट दे दिए थे वो भारत में, इसके तहत उनकी कूटनीति सफल हुई, और फिर राष्ट्रीय भावना की कुछ कमी भी थी, और राष्ट्रीय भावना की कमी थी, अरब व्यापारियों को छूट दे दिए थे, इससे उनका प्रचार और प्रसार हुआ और वो विजय प्राप्त कर लिए भारत, ठीक। आगे चलते हैं देखते हैं, राजपूत आगे चलते हैं देखते हैं बच्चों, राजपूत योद्धा, राजपूत योद्धाओं का सबसे बड़ा दोष क्या था, वो कौन सा दोष था जिसके कारण वो हार का मुंह देखना पड़ा? दूरदर्शिता का प्रभाव था, शत्रु के प्रति दया भाव था, शक्तिशाली केंद्रीय सेना की कमी थी, कामुक प्रवृत्ति थी, बताइए। तो राजपूत योद्धाओं का सबसे बड़ा दोष यह था बच्चों, 45 नंबर का, शत्रु के प्रति दया भाव थी, शत्रु के प्रति क्या थी, दया भावना की प्रवृत्ति के कारण ही राजपूत सेना क्या हो गई, हार गई, और उसे हार का मुंह देखना पड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है 46 नंबर की ओर देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, पूछ रहा है ना, तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था? तराइन की युद्ध से हम क्या जानते हैं बताइए, तराइन की युद्ध से हमें ये मालूम होता है बच्चों कि इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद
गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ था बच्चों कब हुआ था बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया, सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम युद्ध किस सन में हुआ, तो ऑप्शन में 1191 तो दिया ही नहीं बच्चों, तो ये गलत है, यहाँ पे 1191 बना लीजिएगा और यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना कौन किया है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो पहले के जो राजा होते थे अपनी कहानी लिखवाते थे, अपने पर लेख लिखवाते थे, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन किए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। ठीक है, वो चंद्रवरदाई थे। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध इसी सन में लड़ा गया था। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं 47 नंबर। तराइन का युद्ध किन दो शक्तियों के मध्य हुआ था, किन दो शक्तियों के मध्य, आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया आप लोग को, बताइए तराइन का किन दो शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ था, यही पूछ रहा है ना, तो चलिए देखते हैं किन दो शक्तियों के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज के मध्य, राजपूतों तथा तुर्कों के मध्य, हिंदू तथा मुसलमानों के मध्य, घुड़सवार तथा पैदल सेना के मध्य। तो ये था बच्चों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं 48 नंबर। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज की सेना के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेना के जो बीच युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, वो कौन सा प्लेस था, तो वो था ताराबड़ी गांव तराइन के मैदान में, थानेश्वर के मैदान में, भटिंडा के मैदान में। आगे देखते हैं पंजाब की उपजाऊ भूमि पर, तो ये जो हुआ था बच्चों 48 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ताराबड़ी गांव तराइन के मैदान में जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच इसी स्थान पर हुआ था। किस स्थान पर, ताराबड़ी गांव में, तराइन के मैदान में, याद रख लीजिएगा, पूछता है वीवीआई, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यही कह रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ है 1172 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1114 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो 92 में जो है द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी मारा गया, मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान मारा गया। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में समाप्त कर दिया गया, मारा गया। यूनिटी के कारण कुछ कमियां थी, प्लानिंग में भी कमियां थी। ठीक है, असफलता हाथ लगी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार का प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख कारण पूछ रहा है उसकी हार क्यों हुई राजपूतों। तो ये हुई बच्चों गतिशीलता की कमी के कारण, राजपूतों का गर्व था, श्रेष्ठ नेतृत्व की कमी के कारण, राजपूतों में संगठन की कमी थी। तो ये था बच्चों 50 नंबर का जो है हो जाएगा, राजपूतों में संगठन की बहुत बड़ी कमी थी, यूनिटी संगठनात्मक रूप जो था उसका, संगठनात्मक रूप जो था बच्चों उसका अच्छा नहीं था, इसी से जो है हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है बच्चों, संगठनात्मक रूप के कारण जो है राजपूतों की हार हुई और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।